अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्ति वल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुग गति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोग श्रीमन शिक्षा के ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत श्रीदास गोस्वामी जी द्वारा विरचित ये मन शिक्षा का 8वां श्लोक क्या यहाँ पर बतला रहे हैं श्रीदास गोस्वामी कि देखो साधक के हृदय में साधन करने वाले जो भक्ति साधना करने वाले जो साधक के हृदय में जो दुष्टता है उसका दूर किस प्रकार से होगा। दुष्टता सर्वानर्थ कारक है, अंदर दुष्टता होने से अनर्थ है, इसलिए वो दूर कैसे जाएगा। और हमारे जीवन में कृष्ण सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति मतलब श्री राधा कृष्ण युगल सेवा की प्राप्ति की बात यहाँ पर बतला रहे हैं कि वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। उसके लिए बोलते हैं साधु संग। साधु संग भी ऐसा जिसमें से साधु कृपा से अपने हृदय के अंदर विराजमान आह्लादनी शक्ति को हमारे हृदय में संचार करे, मतलब श्रीमती राधिका साधु के हृदय से निकलकर गुरुदेव के हृदय से निकलकर आश्रित जनों के हृदय में प्रवेश करती है, तब जाकर ये सब कुछ होता है। इसलिए हम कल उसको श्रवण कर रहे थे कि क्या करना होगा एक साधक को। दैन्य भाव से दीनता के साथ क्या करना होगा, रो रो कर प्रार्थना करना होगा, पुकारना होगा। बोलते हैं क्या करनी, भगवान के आगे निवेदन करना होगा उनके शरण में जाकर। उसी के विषय में श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज अपने विचारों को यहाँ पर बतला रहे हैं, अपने व्याख्यान यहाँ पर दे रहे। क्या बोलते हैं, बोलते हैं मैं कौन हूं, एक असहाय हूं, मैं असहाय हूं और बहुत दीन व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा बस का काम नहीं है। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी अक्सर जय ध्वनि के विषय में बतलाते हुए बोलते हैं, इसीलिए हम लोग भी सबको जय ध्वनि सीखने के लिए विशेष रूप से इंसिस्ट करते हैं। उसका कारण ही ये है कि यहाँ पर परमाराध्य श्रील गुरुदेव बतलाते हैं जीव अपने साधना से अपने प्रयास से कभी भी भगवान तक पहुंच नहीं सकता है, इसीलिए हम जय ध्वनि के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके परिकरों से प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य देव से प्रार्थना करते हैं, उनके परिकरों से प्रार्थना करते हैं, श्री रूप गोस्वामी आदि आचार्यों के पाद पद्म में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं आपके शरण में आने में असमर्थ हूँ, लेकिन आप तो कृपा करके पधार सकते हैं, इसीलिए आप मुझे अपना बना लीजिए।
कि आप मुझे अपना बना लीजिए, क्यों? क्योंकि मैं तो असहाय हूं। मैं अगर आप मुझे कहेंगे कि तुम्हें मेरे पास आना होगा तो वो मेरे लिए कदापि संभव नहीं है, मैं तो आपके पास आ ही नहीं सकता। तो क्या करूंगा? इसका मतलब उम्मीद छोड़ दूंगा? बोलते नहीं, मैं क्या करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। इसीलिए को बोलते हैं यहाँ पर दैन्यता पूर्वक प्रार्थना। प्रार्थना के अंदर भी दैन्यता होना चाहिए। दैन्यता के बिना कपटता को लेकर, अभिमान को लेकर अगर हम लोग प्रार्थना करने चलते हैं तो उस प्रार्थना का वास्तविकता में प्रयोजन नहीं होगा। जिस प्रकार से दुर्योधन दैन्यता से विहीन होकर अपने अभिमान को रख के भगवान से प्रार्थना करने गया युद्ध के लिए, और भगवान ने कृपा करके उनको चतुरांगिनी सेना भी प्रदान किया उसी की इच्छा के अनुसार, अपनी नारायणी सेना भगवान ने उनके साथ में भेजा उनकी इच्छा की पूर्ति करके, फिर भी अगर हम विचार करके देखें अंत में विजय श्री का प्रसाद केवल पांडवों को ही प्राप्त हुआ है। ये बात जगत विदित सत्य है और संजय धृतराष्ट्र को भी अपने विचार को, अपने मत को व्यक्त करते हुए ये बात स्पष्ट रूप से बतला दी। जहां पर भगवान है, जहां पर उनके प्रियतम भक्त अर्जुन विराजमान है, विजय श्री वही पे होगा, श्री वही पे होगा, सौंदर्य वही पे होगा, सब कुछ वही पे होगा। क्यों? वहां पर विनय प्रार्थना है, वहां पर दीनता के साथ में प्रार्थना, भगवान का प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना दीनता पूर्वक करना होता है, अभिमान लेकर के नहीं करना होता है। इसीलिए बोला जितना आपने कृपा किया, मेरा तो उतना भी योग्यता नहीं है, लेकिन ये तो आप है कि आपने अपनी अहेतु की कृपा से मुझे अनुग्रहित किया नाथ, इस प्रकार के भाव से उनके चरणों में निवेदन करना होता है। बोलते हैं ऐसे जो व्यक्ति होगा, बोलते वही निष्कपट प्रार्थना होगा, वहां पर फिर कपट नहीं है, वो निष्कपट प्रार्थना है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर तरीका से श्रीमती राधिका के पाद पद्म में प्रार्थनाष्टकम उन्होंने कीर्तन किया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उसी का यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थनाष्टकम के ऊपर हम लोग विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर श्री जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं और करते हुए किस प्रकार से श्रीमती राधिका जी की कृष्ण के साथ में लीलाएं हैं, गोपियों के साथ में लीलाएं, उसके बारे में यहाँ पर बताया और प्रार्थना कर रहे हैं कि उन सब में मुझे कब अधिकार प्राप्त होगा। हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे? हम भी प्रार्थना करेंगे, वो क्या है? सूरदास जी महाराज ने रचना की है, सूरदास जी ने रचना की है बड़े एक सुंदर पद का। वो क्या बोल रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान है प्रभु, कौन है ऐसा कुटिल व्यक्ति और खल कामी व्यक्ति जो है, मेरे समान और कौन हो सकता है? क्योंकि सारी दुष्टता, सारी उदंडता, सारा उपद्रव मेरे ही अंदर में है। किसी के अंदर व्यक्त रूप से होता है अथवा किसी साधक के अंदर अव्यक्त रूप से रहता है। इसी कारण से बोलते हैं ये सारी चीजें मेरे अंदर भरा हुआ पड़ा है। प्रार्थना एक करना होता है अपनी अवस्था को जानकर, और रूप गोस्वामी की कृपा से, गुरु परंपरा के आचार्यों की कृपा से, परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से जब हम लोग साधना के पथ पे अग्रसर होते रहेंगे तब ये वाली प्रार्थना भी करना पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान समय में जीव की दयनीय अवस्था के अंदर
एक ही प्रार्थना है जो कि सूरदास जी महाराज ने बतलाया। क्या बोलते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कुटिल व्यक्ति कोई नहीं है, खलकामी व्यक्ति भी कोई नहीं है, पाखंडी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कहां से मिलेगा आपको। भाई ऐसा, भैया ऐसा क्या काम आपने किया कि जिसके लिए आपको ये सब कहना पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं, जिन तन दियो ताहे विसरायो ऐसो नमक रामी। सूरदास जी महाराज बोलते हैं, जिन्होंने मुझे ये तन दिया, ये शरीर दिया, मैं उसी का विमुख होकर के बैठा। बोलते जिसने मुझे ये शरीर दिया, जिसने मुझे सब कुछ दिया और मैं उसी का विमुख होकर बैठा, यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है। विमुख होके मतलब हम क्या चिंतन करते, हमारे चिंतन में हमेशा प्रायोरिटी पे ये संसार के नश्वर बंधन ही आते हैं। आज हम लोगों ने शरीर को त्याग कर दिया तो संसार से जुड़े हुए हर बंधन के साथ हमारा छुटकारा हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रापंचिक बंधन नित्य नहीं होता, शाश्वत नहीं होता है। इसी कारण से ये सारे बंधन नैमित्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं, अथवा जब तक जीवन है तब तक उतने समय के लिए नित्य धर्म की तरह भी प्रतीत होते हैं। लेकिन परमार्थ में अग्रसर होने के लिए इच्छुक व्यक्ति, आगे बढ़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसके लिए भगवान भगवद गीता में बतला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरणागति के मार्ग पे चलो, मामेक शरणम व्रज, बोलते मेरे एकमात्र का, मामेकम वहां पर दो तीन नहीं, केवल मात्र मुझे ही उद्देश्य रखते हुए, मेरे ही प्रसन्नता के लिए और मेरे ही शरणागति के मार्ग पर तुम चल पड़ो। कैसे, सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी नित्य और नैमित्तिक आदि जो धर्म है उनको परित्याग करके, ये जो नित्य नैमित्तिक धर्म कहते हैं, टेम्पररी जो भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उन सब को नित्य धर्म कहते हैं। वास्तविकता में जिसको भगवान त्यागने को बोल रहे हैं वो क्या है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक जो हमारे बंधन का कारण होता है, अथवा जो हमारा अपना परिवार के रूप में दिखलाई देता है, उन सब को नित्य धर्म के अंतर्गत कहते हैं। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, अथवा ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये जितने भी रिश्ते, ये जितने भी जाति पाटियां, सारा कुछ जो कि पैदा होने के साथ से शुरू होकर मरने तक रहते हैं, इन सब चीज को भी नित्य धर्म कहते हैं। बोलते ये सब को छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरा एकमात्र का ही शरण कर, शरणागत होने के मार्ग में चल पड़, ऐसे कौन कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया, जिन तन दियो, शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया। प्रकृति के अंतर्गत जो पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और उसके बाद सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये सब चीज को धारण किया जीव ने, और जीव इन सब चीजों को जिस रूप में धारण किया वो रूप उस जीव को भगवान के द्वारा प्रदत्त है। वास्तविकता में श्रेय गोविंद का है, उसको हम ना देकर, हम लोग इस संसार के बंधनों को श्रेय देकर उन तक अपने आप को सीमित करके रह जाते हैं। बोलते हैं वो ही सबसे बड़ा विडंबना की बात है। इसलिए सूरदास जी महाराज बोलते हैं, जिन तन दियो, जिसने मुझे ये तन दिया, ये शरीर दिया, उसी को मैं छोड़ दिया, उसी को मैं भूल गया। ये बात सूरदास जी महाराज बोल रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्य
श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपने एक सुंदर से कीर्तन में हम लोगों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, भूलिया तुम्हारे हे नाथ, मैं आपको भूलकर आपसे विमुख होकर क्या किया हूँ, ये संसार में आ चुका हूँ, उससे क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। वो बोलते हैं उससे सबसे बड़े नुकसान ये हो गया मेरे साथ, मैं अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ, भगवत विस्मृति से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। यही बात वो बता रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं प्रार्थना ये करना है, अपनी अवस्था को जानकर, अपने दुख को जानकर प्रार्थना करना होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान से क्या प्रार्थना करना है। सूरदास जी महाराज बोल रहे हैं, सूर पतित को ठोर कहाँ है, ठोर मतलब है कि ठिकाना, कि है प्रभु मेरा आपके चरणों के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं है, कोई और गति नहीं है, किसके बिना, तुम बिन श्रीपति स्वामी, हे श्री राधा जी के नाथ, हे श्री लक्ष्मी जी के नाथ, हे प्रभु, हे सौंदर्य की मूर्ति, हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई वास्तविकता में गति बोल करके नहीं है, भगवान के बिना मेरा कोई और गति नहीं, ये प्रार्थना करना पड़ता है। क्यों बोलते हैं, भरी भरी उदर विषयन को धायो जैसे सूकर ग्रामी, एक गांव का जिस प्रकार से सूकर रहता है सुअर, वो किस प्रकार से विष्ठा के पीछे भागता है, मल के पीछे भागता है, उसी प्रकार मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये पांच प्रकार के विषयों के पीछे भाग रहा हूँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के पीछे सब समय दौड़ लगा रहा हूँ। इस चीज को समझकर, मतलब यहाँ प्रार्थना जो करना है वो है अपनी दयनीय स्थिति को अनुभव करते हुए। जो व्यक्ति अपने रूट्स को समझता है वो व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे, अपने अंदर की मलिनता को पहचानना होगा, तभी तो भगवान कृपा करके उसको शुद्ध करें। लेकिन जब हम लोग प्रिटेंड करते हैं तब जाकर के हमारे लिए ही अनर्थ होता है। जिस प्रकार से एक चिकित्सक के पास जाकर रोग को गोपन रखना ठीक नहीं होता, इसी प्रकार से एक चिकित्सक के पास जैसे रोग को गोपन नहीं रखा जाता, उसी प्रकार से गुरुदेव के सामने भी मन को गोपन रखा नहीं जाता, उसी प्रकार से भगवान के आगे भी मन को गोपन नहीं रखा जाता है। जो मन के अंदर है उसको स्पष्ट रूप से गुरुदेव के आगे निवेदन करना होता है, जो मन के अंदर है वो भगवान के आगे निवेदन करना होता है, तब जाकर हम लोगों के जीवन में वो परिवर्तन आएगा, वो सुधार आएगा। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया, बोलते भरी भरी उदर विषयन को धायो, बोलते क्या कर रहा हूं मैं, भर भर के उन विषयों के पीछे जा रहा हूं, जैसे एक गांव का जिस प्रकार से सूकर विष्ठा के पीछे भागता है, कान को भी पेट होता है, आंख को भी पेट होता है, नाक को भी पेट होता है, और जीभ को भी पेट के लिए भी पेट होता है, शरीर के लिए भी पेट होता है। इसीलिए कान को अंदर शब्द से हम भरते हैं, जो कान का पेट है वो शब्द से भरता है, और जो जीभा का पेट है वो कैसे भरता है, वो रस से भरता है, मतलब जो भोजन आदि द्रव्यों को हम ग्रहण करते हैं उससे भरता है। शरीर का पेट स्पर्श से भरता है, आंख का पेट दृश्य से भरता है। इसी प्रकार ये विषयों को भर भर के भोग करते हुए मैं क्या अपना पेट को भर रहा हूं। इसलिए ना समझे कि भोजन करने मात्र ही से उदर पूर्ति है,
विषयों का पीछे भागना, विषय सुख को भोग करने की लालसा के साथ में जीना, ये भी वास्तविकता में उदरपूर्ति का ही काम है। इसीलिए बताया और क्या कर रहा हूं, मेरा स्थिति क्या है। सूरदास जी महाराज बतलाते हैं, हरिजन छाड़ी हरि भी मुखन, मैं हरिजनों को छोड़कर हरिभक्तों को छोड़कर जितने भी हरि विमुख जन है ये संसार के अंदर जो पतित व्यक्ति है उन सब के पीछे ही मैं अपने ऊर्जा को निवेश कर रहा हूं। इसीलिए ये सब चीजों को समझने के कारण वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करें जिससे, क्यों, क्योंकि मैं तो भजन के बिना अपना जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन, जो हरिजन होते हैं भगवान के प्रिय भक्त उनको छोड़कर जो हरि विमुख लोग हैं, भगवान के विमुख व्यक्ति, उनका मैं क्या कर रहा हूँ, दिन रात गुलामी कर रहा हूँ, उनका दासत्व कर रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं मेरी ऐसी स्थिति, उसके परिणाम में क्या हुआ कि मैं सबसे बड़ा पापी के रूप में अपने आप को आज मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए बोला पापी कौन बड़ो जग मोटे, इस संसार के अंदर मेरे से बड़ा पापी कौन हो सकता है। बोलते सब पतितन में नामी, जितने भी पतित है उनमें सबसे नामी पतित हूं, लेकिन एक बात मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे अपनी अनुग्रह से कभी भी वंचना ना मत कीजिए, जिसका कारण क्योंकि आपके बिना मेरा कोई और सहारा नहीं है। मैं जानता हूं आपके भजन ना करने के कारण, आपका भजन नहीं कर रहा हूं, इसके चलते मेरे दिन वृथा ही व्यतीत हो रहे हैं, मेरा समय वृथा व्यतीत हो रहा है, लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरा अब गति क्या होने वाला, लेकिन एक प्रार्थना आपके चरणों में, एक निवेदन आपके चरणों में है, वो किसी भी परिस्थिति के अंदर आप मुझे परित्याग ना करें नाथ। ये इस प्रकार से निवेदन करने की बात वहां पर हो रहा है। अपनी दयनीय स्थिति को समझकर, ये नहीं कि मैं तो ठीक है माला तो करता ही हूं, दो चार कर ही लेता हूं, 16 कर लेता हूं, हम हरिनाम करके भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, इस प्रकार की विभ्रांति से अपने आप को मुक्त करना होगा और ये समझना होगा नाम प्रभु का आश्रय लेकर मैं अपने चित्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया की ओर लेकर के जा रहा हूं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन उसकी जय जयकार हो। इसलिए बताया कृष्ण संकीर्तन करने वाला साधक के हृदय में ये दैन्यता का भाव होना चाहिए, आप कृपा करके मेरे चित्त को शोधन करें, मेरे संस्कारों का शोधन करें और मुझे अपने श्री चरणों के अनुराग प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जब नाम प्रभु के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं क्रंदन करते हुए, इसलिए बोला जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, पंचतत्व के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, कृपा करी सभी मिली करह करुणा, अधम पतित जने ना करी घृणा, ए तीन संसार माजे तुआ पद सार, भाविया देखी मुने गति नहीं यार। मैं अगर सोचूं आपके बिना मेरा कोई और गति है और मैं चारों तरफ अगर अपना दृष्टिपात भी करूं, मुझे कहीं पे भी कोई गति दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कहीं कोई और गति आश्रय सहारा दिखलाई नहीं दे रहा है प्रभु, इसीलिए कृपा करी आप मुझे अनुग्रहित करें। मैं तो अधम हूं बोलकर, पतित हूं बोलकर मेरा त्याग मत कीजिएगा, ये प्रार्थना यहां पर करने के लिए बोल रहे हैं। जब भगवान के नाम के चरणों में ऐसी प्रार्थना हम करेंगे,
तब भगवान कृपा करके लीला के लिए भी प्रार्थना करने का अधिकार हमें प्रदान करेंगे, लीला के लिए भी प्रार्थना करने का अधिकार हमें प्रदान करें। हम सीधा लीला के लिए प्रार्थना करने का जप करते हैं, लेकिन अपने अंदर की कल्मषता को शुद्ध करने की ओर लेकर के नहीं जाते हैं। और हमारे अंदर की जो भव महादावाग्नि है, ये संसार रूपी दावानल का निर्वापन करने की ओर हम लोग स्वयं को लेकर के नहीं जाते, तो हमारा कभी भी सार्थक जन्म नहीं होगा, हमारा कभी भी भगवत पाद पद्म में अनुराग नहीं होगा। ये हम लोगों को समझना होगा। हम लोगों ने परम आराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से ऐसे असंख्य भक्तों को देखा जो लोग केवल मात्र उस उन्नत उज्ज्वल रस आदि की चर्चाओं को करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन के अंदर, जो प्राकृत जीवन शैली के अंदर बहुत ही अशांति से भरे हुए रहते हैं। जब चर्चा जहां पर लीला का हो और उसमें भी उज्ज्वल लीला का हो, उज्ज्वल रस का हो, मतलब है कि माधुर्य रस की लीला का अगर चर्चा हो, तो उससे पहले ही, उसके पूर्व ही एक साधक का हृदय अत्यंत पवित्र, स्वच्छ, निर्मल होना जरूरी है। जिसका हृदय निर्मल नहीं है, जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जिसके अंदर का ये अभिमान से वो मुक्त नहीं है, जिसके अंदर दुष्टता भरा पड़ा है, वासना आदि चीजें भरे पड़े हैं, उस तरह के लोगों के लिए प्रार्थना केवल नाम प्रभु से करने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है। नाम प्रभु कृपा करके जब नाम अपने निज रूप को प्रकट करता है, तो रूप के बाद नाम का गुण और उसके बाद नाम की लीलाएं हमारे आगे प्रकट होते, तो कृष्ण लीला का चिंतन भी वो कृष्ण नाम का चिंतन ही होगा। कृष्ण लीला चिंतन भी कृष्ण नाम का चिंतन होगा, और उसके बाद उस गोलोक का अलौकिक दिव्य प्रेम का, पराकाष्ठा की अनुभूति हम लोगों को भी अनुभव करने का सुयोग प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, करुण भाव से पुकारो, करुण भाव से पुकारो। जैसे महामंत्र हम लोग कर रहे हैं, तो करुण भाव से पुकारना होगा कि आप इतने कृपालु हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को शिक्षास्त्र के माध्यम से बतलाया, सर्वप्रथम प्रार्थना करना होता है, चित्र रूपी दर्पण मार्जन हो, संसार रूपी दावाग्नि आदि का निर्वापन हो, और उसके बाद जैसे जैसे बताया गया शिक्षास्त्र के अंदर, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुदि वर्तनम, ये सब हमारे जीवन में हो, ऐसी प्रार्थना करना पड़ता है। और उसके बाद नाम प्रभु की महिमा, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्प शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानिनानुराग। क्या बता रहे वहां पर, सकल शक्ति देई नामे तोहार, ग्रहण राखील नाही काल विचार। आपने तो नाम में पूरी शक्ति को संचारित कर दिया, और साथ ही इसको ग्रहण करने के लिए कोई भी नियम भी नहीं रखा। अगर कोई सोचे कि एक नियम रखा है, बोलते कोई भी नियम नहीं है, भगवान इतने कृपालु है और हम लोगों को कोई भी नियम, कोई भी बंधन ना रखते हुए उन्होंने नाम प्रभु को हमें दान किया। लेकिन इसीलिए यहाँ पर बोल रहे, कातर भाव से रो रो के दैन्यता के साथ प्रार्थना करना है, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखाते हुए बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर, बोलते दुर्दैवम ईदृशम इह जानिनानुराग। ये तो मेरा दुर्दैव है, मेरा परम दुर्भाग्य है, इतना कुछ होने के बाद भी नाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा है। उसी को श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, नाही जन्म लो नामे अनुराग मोर, मेरा नाम के चरणों में अनुराग जागृत नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं, भक्ति विनोद चित्ते दुखे विभोर, मेरा जो चित्त है वो दुख से विभोर हो गया, दुख से भर गया, सराबोर हो गया।
क्यों? नाम में अनुराग नहीं हो रहा है, इसलिए क्रंदन करना पड़ता है इस बात के लिए कि मेरा नाम में अनुराग हो। जब नाम में अनुराग पैदा होने लगेगा तब स्वाभाविक रूप से हमारे कीर्तन के अंदर चार चीजें आ जाते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णा अमानी नमानदेन। अपने आप को स्वाभाविक रूप से दीन बना लेंगे। दीनता कोई जबरदस्ती थोपने वाला वस्तु नहीं है, इसीलिए ये भी बता दिया दीनता का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जो दीनता स्वभाव में नहीं है उसका इमिटेट करना भी एक तरह से अपराध ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अकड़ के रहना, प्रयास करना है, मतलब है कि परफेक्शन शो नहीं करनी है, एफर्ट शो करना है वहां पर, मतलब मैं अपने अंदर दीनता लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीज अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने आप को सिखाना पड़ता है, ना कि मैं दीन हूं ऐसे दिखाना है, क्योंकि आंतरिक रूप से तो दीनता है नहीं। इसीलिए बोलते हैं दीनता अंदर से लेके आना पड़ता है, उसके लिए दीनता का अभ्यास करना पड़ता है, ना कि नकल। और क्या बोल रहे हैं? और उसके बाद वृक्ष से भी अधिक सहनशील, जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर आक्रमण किया जाता है, वृक्ष के ऊपर आक्रमण किया जाता है, आक्रमण करने पे भी वृक्ष जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, उल्टा आक्रमण करने वाले व्यक्ति को वो अपने ही नीचे अपने ही जड़ों के पास उसको छाया प्रदान करता है, और अगर फलदार वृक्ष हैं तो फिर वो फल भी प्रदान करता है, और अगर फल नहीं है तो वो काष्ट ईंधन के रूप में भी व्यवहार होता है। इस प्रकार से यद्यपि हम लोग आक्रमण करने के बाद भी वो वृक्ष केवल हर प्रकार से हम लोगों के लिए सुविधा ही प्रदान करता है, यहाँ पर इसी बात को बताया। उसी प्रकार का स्वभाव साधक को अपना खुद का बनाना पड़ता है, साधक को खुद का बनाना पड़ता है। और उसके बाद बोलते अमानेन मान देन, दूसरे को सम्मान देते रहना है और स्वयं कभी भी किसी भी प्रकार की सम्मान की आशा नहीं रखना है, तभी हमारा हरि कीर्तन संभव होगा। कीर्तन जब कीर्तन ही नहीं हुआ तो लीला कहां पे होगा, ये बात हम लोगों को समझना होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़कर हमारे अंदर निष्काम भाव लाना होगा। हम लोग अगर उज्जवल रस की कामना करते हैं तो प्रापंचिक कोई भी वस्तु के प्रति हमारा आशा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं मधुर रस का प्रेम, गोपियों का प्रेम, श्री राधा जी का प्रेम हमारे हृदय में आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी तरफ में हम लोग दुनिया को लेकर, दुनिया की परिस्थितियों को लेकर, उसकी लाभ हानि को लेकर, इन सब चीजों को लेकर के क्रंदन भी करने लगते हैं। हम लोग भगवान की ऐसी कृपा, जब हम लोग केवल भगवान को चाहते हैं, भगवान का वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, भगवान को ही चाहने वाला व्यक्ति के जीवन में हर चीज को स्वयं भगवान संभालते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवान को चाहते लेकिन मन के अंदर से दुनिया को भी चाहते हैं, मतलब हमारी चाहत के अंदर स्पष्टता नहीं होने के कारण हम ना इधर के रहते फिर ना उधर के रहते हैं। इसीलिए साधक को सावधानी पूर्वक लोक व्यवहार करते हुए, इसलिए दुनिया के ऊपर भरोसा छोड़ दो ऐसा नहीं, दुनिया का भरोसा जो भी है, मतलब दुनिया की जो कार्य आवश्यक जो कुछ भी है, उन सबको एक व्यवहारिक दृष्टि से संबंध करना होता है, लेकिन अंतर्मन में केवल मात्र भगवत प्राप्ति की लालसा ही क्रंदन करना होता है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री दास गोस्वामी जी महाराज से कहा कि अंतर है कर निष्ठा बाहर लोक व्यवहार, क्या बोल रहे हैं?
अंदर से तुम निष्ठा रखो और बाहर से लोक व्यवहार। वो बोलते हैं अचिराद कृष्ण तुम्हारे करीब उद्धार। तो ऐसे करोगे बहुत समय लगेगा नहीं, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर अनुग्रहित होकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसके बाद दास गोस्वामी वापस लौट के अपने घर गए और महाप्रभु के उस दिव्य शिक्षा को अपने जीवन में आचरण में ले आए, सारे काम परफेक्टली करने लगे, जिसके चलते उनके पिता को ये विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र अब घर से भागने वाला नहीं है। यद्यपि बाहर की दृष्टि से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से श्री कृष्ण विरह से व्याकुल होकर के क्रंदन कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु जब आए उनके चरणों में गिर के कहते हैं कि मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो सारा काम कैसे कर रहे हो? क्योंकि वो लोक व्यवहार किसका आदेश है? भगवान का आदेश है। इस संसार के लोग भगवान के ऊपर निर्भर होना, गुरुदेव के ऊपर निर्भर होना का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कर्म त्याग करके बैठ जाएं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही बोला कि मुझ में निर्भर होकर के करो, लेकिन कर्म तो तुमको करना ही होगा। ये चीज हमें समझना पड़ता है। उसी प्रकार से दुनिया की वस्तुओं के प्रति, दुनिया के बंधनों के प्रति हम लोगों को कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विश्वास जो भरोसा है वो भगवान के प्रति, और विश्वास और भरोसा गुरुदेव के प्रति और उनके कृपा के प्रति जब होगा तब जाकर के सब कुछ सुगम हो जाता है। ये चीज हमें समझना होगा। जीव को अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसका कर्तव्य जो है उसको, लेकिन उसमें इतना आवेश नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन से परमार्थ दूर हो। वो इस प्रकार से होना चाहिए कि वो परमार्थ के निकट में जा रहा है और बाकी सारी चीजें अनुसंगिक रूप से घटित होते जा रहे हैं। इस तरीके से साधन चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोले प्रार्थना क्या करनी है? ना धनम न जनम न सुंदरी कविता अम्मा जगदीश कामे। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, धन जन ना ही मांगू कविता सुंदरी। तो क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। हे कृष्ण हे नाथ, आप कृपा करके मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए। मुझे धन जन आदि चीजों की कामना नहीं है। मैं इस प्रपंचित वस्तुओं की कामना नहीं करता हूँ। मैं दुनिया का कोई भी वस्तु की कामना नहीं करता हूँ। मैं अगर कामना करता हूं तो वो केवल और केवल किस चीज की कामना करता हूं? आपके शुद्ध भक्ति की कामना करता हूं। ऐसे क्रंदन करते हुए बोलना पड़ता है। और क्या बोलते हैं? बोलते भगवान के चरणों में निवेदन करना पड़ता है। आईनंद तनुज किं करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। मैं इस भवसागर में पड़ गया। बोलते तुम्हार नित्य दास मुई तुम पास रिया पड़ी अच्छु भवार में मायाबद्ध हो गया। मायाबद्ध होकर मैं आपके नित्य दास होकर के भी इस संसार के दलदल में सागर में फंस गया, गिर गया। इसीलिए अभी आपसे ही निवेदन है, आप मुझे अपने चरणों का दास समझे। कृपया तम पाद पंकज धूली सदृश चिंताया। मुझे आपके श्री चरणों का धूली के रूप में आप ग्रहण करें नाथ समझें, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तब जाकर शुरू होता है नयनम गलद सुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम करते करते कब अश्रुपात होगा, शरीर के रोंगटे खड़े होंगे, शरीर का गले का आवाज अवरुद्ध हो जाएगा, कांपने लगेगा, ये सारे विकार हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे? कब बोलते कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। वहां पर रूप गुण लीला के बारे में नहीं बोल रहे, वहां पर नाम के बारे में बोल रहे हैं। नाम करते करते पहले गला अवरुद्ध हो जाना चाहिए, नाम करते करते रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, नाम करते करते शरीर के अंदर इस प्रकार से होना चाहिए, भगवान का नाम करते करते सारे विकार उत्पन्न हो जाना चाहिए, तब जाकर के हम लोग लीला के अधिकारी होंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी भाव में जिन लीला जिस प्रार्थना को कर रहे हैं
उसको करने का अधिकार तब आएगा जब साधक नाम प्रभु के चरणानुरागी होके साधन करेगा। जब उसका साधना नाम प्रभु के चरणानुरागी होके होगा तब जाकर क्या होता है, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। जब नाम प्रभु कृपा करते हैं तो वहां पर लीला भी प्रकट होता है, रूप गुण आदि सब कुछ प्रकट होता है। जब प्रकट हुआ तब जाकर के वो अनुभूति ऊपर की ओर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर बोले प्रार्थना करनी है तो किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, सबसे पहले नाम प्रभु का कृपा हमारे ऊपर हो उसके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए अतिशय दैन्यता के साथ में बहुत ज्यादा दीन होकर रोते रोते कातर भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करना है, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे अंदर की दुष्टता को आप ध्वंस करें, मेरे अंदर की दुष्टता को आप ध्वंस करें और अपनी अहेतु की कृपा से मुझे अनुग्रहित करें, क्योंकि आपके कृपा ही सार है, आपके कृपा के बिना मेरा कोई और सहारा नहीं है। इस प्रकार का भाव रखते हुए दैन्यता पूर्वक श्री श्याम सुंदर के एवं श्रीमती राधिका जी के पाद पद्म में निवेदन करना पड़ता है, तब जाकर हमारा जीवन का शोधन आरंभ होता है, जीवन में सुधार तब जाकर के आता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पंचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।